हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग की लिंक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है विश्वास। ये कहानी एक राजकुमारी की रहती है जो राजकुमारी वैराग्य की भावनाओं से भरी रहती है। जब राजकुमारी का विवाह योग्य हो जाता है तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा होता है। राजा ने उसकी पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही है जो राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है, क्योंकि राजकुमारी एक महल में रहने वाली और उसको वैराग्य की भावना है, तो वैरागी तो सिर्फ एक सन्यासी ही हो सकता है। अब विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। पहले ही दिन कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में दो सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियाँ यहाँ क्यों रखी है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी है, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगा था कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो केवल भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कल की चिंता करते ही क्यों हैं। पर स्वामी, मैं जितना जानती हूँ कि सच्चा भक्त तो वो है जो कल की चिंता कदापि नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है, सर्व समर्पण करता है। अगले दिन की चिंता तो पशु भी नहीं करते, हम तो मनुष्य हैं। सही बात है दोस्तों, आज अगर जानवर को सुबह खाना नहीं मिलेगा तो वो शाम को भी खाना नहीं मिलेगा, वो कभी इस चीज़ के लिए सोच ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं अभी भी क्वारंटाइन चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर जो पुलिस वाले हैं वो लोग जाकर के पशु पक्षियों को खाना दे रहे हैं। उनकी चिंता स्वयं भगवान कर रहा है, तभी तो उनको भेज रहा है ना। भले ही मनुष्य उनकी चिंता करे या ना करे, लेकिन परमात्मा तो उनकी चिंता कर रहा है ना। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि हमको अगले टाइम का मिलेगा कि नहीं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। वो नतमस्तक हो गया। उसने राजकुमारी से कहा, आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक सन्यासी हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। केवल कहने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। जो सारे संसार की पालनहार है वो मेरा भी तो पालनहार है ना। अगर हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा सद्गुरु, हमारा परमात्मा हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। अगर हमने उसे भोग खिलाया है तो वो भी भूखा रहेगा, अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा जो परमात्मा है वही हमारी चिंता करेगा। हमसे ज़्यादा चिंता उसको हमारी रहती है, क्योंकि हमने भी तो उसको अर्पण किया है ना। इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप भोजन खाएं तो बिना समर्पण करे ना खाएं। परमात्मा को अगर आप समर्पण करेंगे उस भोग को, तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें जो भी विषैली भावनाएं होगी वो विषैला तत्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, वो परमात्मा को अर्पित करने से एक प्रसाद बन जाएगा, और क्योंकि आपने परमात्मा को अर्पित किया है तो तीसरी बात कि परमात्मा आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि आपने उसको खिलाया है, आपने उसको ध्यान रख करके भोजन किया है, तो परमात्मा भी आपकी उतनी ही चिंता करेगा जितनी आप करते हैं। अगर आप सीधे ही खुद खा लेते हैं, परमात्मा की चिंता नहीं करते, तो जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तब परमात्मा भी आपसे यही बोलेगा, क्या तुमने मेरी चिंता करी थी, क्या मुझे भोग लगाया था। और ये भोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार या साल में एक या दो बार लगा दिया, नहीं, आप रोज़ खाना खा रहे हैं, आपके पेट को रोज़ ज़रूरत है। परमात्मा खाना नहीं खा रहा है, वो भावना का भूखा है। उसे आपकी बस उस भावना से मतलब है कि आप उसको उस समय याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते समय बस पूजा कर ली और हो गया, बाकी दिन भर हमको उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, अगर हम उससे जुड़े हैं, अगर हम उसका ख्याल रख रहे हैं, तो उसका भी जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल रखे। इसलिए उस पर विश्वास बनाए रखें कि वो आपका ख्याल ज़रूर रखेगा, आपकी इच्छाओं को, आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। आप अगर इच्छाएँ रखेंगे कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर वो आपकी पूरी करेगा। तो दोस्तों, परमात्मा पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि एक वही है जो आपके उस विश्वास पर खरा उतरेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। ओम शांति।